सर, लोग पुलिस को खामोखा बदनाम करते हैं कि हमेशा लेट आती है। आज हम सबसे पहले इधर आ गए, यहाँ किसी का पता नहीं है। वीवी एयरलाइंस के मालिक मिस्टर विजय खन्ना अब आ रहे हैं। आइए मिस्टर विजय खन्ना, आइए आइए। आखिर ये लोग हैं कौन? शहर का मशहूर गुंडा भाई जी, जो अब आतंकवादी बन गया है। उसने अपने साथियों के साथ आपकी एयरलाइंस के सारे स्टाफ को पकड़ रखा है। आतंकवादी? हाँ, ये वही आतंकवादी के साथी हैं जिन्होंने कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस पर हमला किया था और आपकी प्राइवेट एयरलाइंस के जरिए देश के बाहर भाग जाना चाहते हैं। और उसने ये भी धमकी दी है कि अगर आपने हवाई जहाज का बंदोबस्त नहीं किया उनके भागने के लिए, आपके ऑफिस स्टाफ को एक एक करके मार डालेगा। और इसके लिए उसने 2 घंटे की मोहलत दी है। मेरे आने में तो 1 घंटा हो गया और 1 घंटा बाकी है। हम किसका इंतजार कर रहे हैं? सर, हमने हायर अथॉरिटीज तक खबर पहुंचा दी है। एक्शन के लिए हमें फ्लाइट मास्टर की जरूरत नहीं है। हाँ, सिर्फ उनके जवाब का इंतजार है। देखिए, मेरे स्टाफ की जान मेरे फैमिली की जान की तरह है। हम और इंतजार नहीं कर सकते, हमें कुछ करना होगा। हिंदी फिल्मों के हीरो हमेशा कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करते हैं। कहीं आप तो ऐसा नहीं करेंगे ना मिस्टर खन्ना साहब? जी नहीं, मैं जो कुछ भी करूंगा सोच समझ कर करूंगा। अबे साले रंडी बाज, इधर क्या देखता है? उधर देख, सब तो साला एड्स हुआ लगता है। मरने से पहले ही मरे मरे लगते हैं। साला अभी तक 1 घंटा हुआ, कोई घंटी नहीं बजी है। देखा, साला घंटी बजी है। ऐ छोकरे, चल उठा फोन। ऐ फोन, जवाब सिर्फ हाँ और ना में देना। अगर अगर तूने जरा भी डिंग डोंग करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें यहाँ की बैंडिट क्वीन बना दूंगा। बाकी देखते हैं साला आगे क्या होता है। चल उठा फोन। हेलो, वीवी एयरलाइन। रीटा, मैं विजय बोल रहा हूँ। मेरी बात गौर से सुनना, बस सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना। बोलो कितने हैं? 4 ना। 5 ना। 6 हाँ। गेट नंबर 1 के पास कोई है? हाँ। गेट नंबर 2 के पास कोई है? हाँ। खिड़कियों के पास? हाँ। काउंटर के आगे वाली जगह खाली है? ना। सारे स्टाफ काउंटर के पीछे हैं? ना। बेटा, मुझे सभी की पोजीशन का पता चल गया है। जैसे मैं गेट नंबर 1 का कांच तोड़कर अंदर आऊंगा, तुम सभी स्टाफ को नीचे लेटने के लिए कहना। ओके, टेक केयर। हाँ। छोकरी साले हाना हाना बोल रही थी, पता किसका फोन था? हमारी फ्लाइट बुकिंग के लिए फोन था। साले, अभी तक हमारी फ्लाइट की बुकिंग नहीं हुई। कौन है बॉस तुम्हारा? क्या नाम है उस साले का? विजय खन्ना। उसका फोन क्यों नहीं आता है? लगता है साला तुम सबको मरवाएगा। हमारे बाप का क्या जाता है? बाकी देखते हैं साला आगे क्या होता है। मिस्टर विजय, आपकी मदद से खतरनाक आतंकवादी को गिरफ्तार करने में हम कामयाब हुए। थैंक्स। ए, तुमने भाई जी को नहीं हवा को गिरफ्तार किया है। अब किसकी हवा टाइट होती है? आप देखते हैं आगे साला क्या क्या होता है। ये तो शोले के गब्बर सिंह की तरह धमकी दे रहा है। चले ए फुंतरो, हवलदार। यस सर। ले जाओ इसे। चल।
मुजरिम भाई जी उर्फ सुनील चोपड़ा वल्द धर्म चोपड़ा को शहर में आतंकवाद फैलाने, दंगा फसाद कराने और मासूम लोगों की हत्या करने के संगीन जुर्म में दफा 302, 305 और 306 के तहत फांसी की सजा सुनाई जाती है। टू बी हैंग टिल डेथ। अबे सालो, देखो क्या हालत हो गई अपनी, क्या रुबाब था अपना। साला एक आवाज दू तो अच्छे अच्छे शानों को पतलून गीले हो जाते थे। अब इतना खराब टाइम आ गया है कि आग बंद करते ही फांसी का फंदा अपनी पैंट गीली करने को आ जाता है। अपने एरिया का शेर अब कुत्ता बन गया। वो कुत्ता भाई जी, आपको फांसी नहीं होगी, सारा मामला सेट कर दिया हमने। अच्छा तो अपन को फांसी नहीं होगी, अपन मरेगा नहीं? भुकट का टेंशन ले रहा था साला। भाई जी इस काम के लिए 5 खोके चाहिए। सारा तोड़ पानी कर लिया है और जेलर राजी भी हो गया है। ये पैसा जेलर से लेकर उसके साथ वाले ऊपर से नीचे तक सबको खिलाना पड़ेगा भाई जी। अगर एक शेर को बचाने के लिए 10 कुत्तों को हड्डी डालनी पड़े तो खिलाओ सालों को, अपने बाप का क्या जाता है। पर भाई जी इतने पैसे आएंगे कहां से? उसी हरामजादे विजय खन्ना के मुंह के अंदर हाथ डालकर निकालना पड़ेगा। अपना छोटे कहाँ है? अरे हमारे साथी तो है। क्या प्लानिंग की उसने, क्या भेजा है भाई जी सच्ची। आपसे भित्ता बताइए, हमें करना क्या है? अब देखते साला आगे क्या होता है, मगर उससे पहले उस विजय खन्ना के कमजोरी का पता चलाओ।